समान समझना, ससुर को पिता के समान प्यार देना, सम्मान देना, पिता समझ के सम्मान करना। और देनी चाहिए। कितनी अच्छी बात कही, माता के समान अपनी सासू मां को समझना, पिता के समान ससुर जी को मानना, देवरानी का आदर करना, जिठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना, जिठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना, क्यों उन्हीं को समझना अपनी बहना, इस भांति रहना ताकि ससुराल में माने दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना ताकि ससुराल में माने दुलारी मेरा कहना। स्वागत करना, सत्कार करना, भोजन पान कराना और सबसे प्रेम की भाषा बोलना, क्योंकि अगर लड़की ससुराल में अच्छे कारनामा लेकर के जाती है ना, अच्छे कार्य करती है, तो उससे मान सम्मान किसका बढ़ता है? माता और पिता का। लोग कहते हैं कितनी अच्छी फलाने की बहू है, उसकी पत्नी कितनी अच्छी है, कितनी अच्छे विचार है, आज दिन तक उसका मुंह नहीं देख पाया किसी ने, आज दिन तक कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, कोई अतिथि पहुंच जाए जाना या अनजाना सबको पानी पिलाती, सबको भोजन की पूछती है, हैं? कितनी सुशील है, कितना अच्छा लगता है ना जब माता पिता को ये खबर मिलती है ना कि मेरी कन्या का बहुत अच्छा परिवार है, बहुत अच्छा माहौल बना के रखी है। बोली देवकी की माँ, कभी कभी सास तेरी कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी सास तेरी कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी सासू माँ ताने मारेगी, क्यों? कि लड़की ज्यादा दहेज नहीं लेके आई अपने घर
घर से, बहू हमारी ज्यादा दहेज नहीं लेके आई, इसलिए ताने मारेगी, बात बात पे झगड़ा करेगी, लेकिन तू कभी मुंह मत खोलना, कभी जवान से अपशब्द मत कहना। कभी कभी सासु तेरी कड़वे बोले बोलेगी, मार मार ताने तेरे हृदय को छोलेगी, मार मार ताने तेरे हृदय को छोलेगी। पर कुछ मत बोलना तू, मुंह मत खोलना तू, नीचे झुका के रखना नैना, पर कुछ मत कहना ना के ससुरा। शरीर को अव्यवों से सजाना, सुंदर गुणों से सजाना, जरूरी नहीं है कि तेरे डेढ़ हाथ को घूंघट हो, लेकिन नजरें शर्म से झुकी हो, लज्जा के सर झुका हो। जरूरी नहीं है कि आंखों में काजल हो या ना हो, लेकिन आंखों में शर्म होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि होठों पर लिपस्टिक लगी हो, लेकिन होठों से सुंदर वचन निकलते हो, सुंदर मीठी बाणी हो, मधुर वचन हो। जरूरी नहीं है कि तू अच्छे अच्छे वस्त्र पहने, अच्छे अच्छे गहना लटका के शरीर को सजाए, नहीं, गुणों से शरीर को सजाना, अपने अव्यक्त से शरीर को सजाना, बेदुखी अनुगामनी बन के रहना। कितनी अच्छी शिक्षा दी, अगर ये शिक्षा हर माँ अपनी कन्या को, अपनी बेटी को दे, तो कभी झगड़े नहीं होंगे, कभी घर नहीं बिगड़ेगा, कभी ससुराल में लड़की आतंक नहीं फैलाएगी, कभी सास ससुर से झगड़े नहीं होंगे, देव देवरानी जिठानी से नहीं बिगड़ेगी कभी भी। भलाई की बिंदिया तेरी, नेकी की नथुनिया तेरी, भलाई की बिंदिया होनी चाहिए,
संस्कार दिए, कितनी अच्छी सीख दी। देवकी को विदा किया, जैसे ही देवकी रोने लगी कंस के लगा बहन तुम हमारे रथ में सवार हो जाओ, मैं तुम्हें लेके चलूंगा। माता बहनो कितना प्यार था कंस देवकी से, कितना प्यार करता था। जैसे ही चला है